बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में हम आधा पाव तकरीबन तेल शामिल कर रहे हैं और इसको लो फ्लेम पे गरम करने के लिए मैं रख रही हूँ। तेल हमारा गरम हो चुका है और अब मैं इसमें दो पत्ते तेज पत्ते के, दो तीन लौंगे, दो तीन काली मिर्च, एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे और फिर इसमें मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें आधा किलो चिकन शामिल कर रहे हैं और चिकन को और प्याज को दोनों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसको उस वक्त तक थोड़ा सा फ्राई करेंगे गोश्त को कि इसका कलर चेंज हो जाए। गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम इसमें दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। दो से तीन मिनट हमें इसकी भुनाई करनी है ताकि लहसुन अदरक की कच्चेपन की स्मेल निकल जाए। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, वन टी स्पून पिसी मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून हमने नमक शामिल किया है। नमक हम कम या ज़्यादा टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं इन तमाम चीज़ों को, मसालों को अच्छे तरीके से भून लूँगी। मैं इसमें दो दरमियानी साइज़ के टमाटर शामिल कर रही हूँ। इसे भी मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि हमारे टमाटर गल जाएं। देखिए हमने इसमें जो भी मसाले ऐड किए थे वो सारे मसाले गल चुके हैं। टमाटर भी गल चुका है, प्याज भी। अब हम इस स्टेज पे इसमें आलू शामिल करेंगे। इसमें एक प्याली पानी शामिल कर रही हूँ ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएं और लो फ्लेम पे कवर करके हम इसे रख देंगे। 10 मिनट के बाद तकरीबन मैं इसे चेक कर रही हूँ। अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए हमारी चिकन भी गल चुकी है और अब हम आलू को चेक करते हैं। जी तकरीबन आलू भी हमारा गल चुका है। अब हम इसमें ग्रेवी करेंगे और फिर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। इसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। अब मैं इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ रही हूँ। अब आप देख रहे हैं कि हमारा शोरबा जो है बिल्कुल पक चुका है। अब हम इस स्टेज पर आके अब हम इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्च और आधी चमची गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। तो चलिए आइए अपना आलू गोश्त का मज़ेदार सा सालन डिश आउट करते हैं। आलू गोश्त की डिश हमारी रेडी हो चुकी है और आप देख रहे हैं मेरा सालन जो है बिल्कुल बहुत बेहतरीन और मज़ेदार सी इसमें खुशबू आ रही है। और आप एक बार ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।